आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से बोर्ड परीक्षा 2023 में गद्यांश आधारित प्रश्न यानी संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ का नाम क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भारतीय संस्कृति अर्थात भारत की संस्कृति। और इस पाठ का यहां पर आप देख लीजिए जो पहला गद्यांश है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, और यह गद्यांश है यहां तक तत् सर्वम अस्माकम संस्कृति। और इस गद्यांश का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद, जी हां संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जी हां आपको कहां पर देखना है, चैनल की प्लेलिस्ट में देखना है, और चैनल की प्लेलिस्ट में ही आपको संस्कृत खंड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है वाराणसी, और साथ ही आपको मिल जाएगा अगला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा। इन दोनों पाठों का मैंने कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करा दिया है, यानी इन दोनों पाठों के जितने भी गद्यांश हैं जितने भी पद्यांश हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आप 2023 बोर्ड परीक्षा की यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो यहां पर आप देख लीजिए इस पाठ का जो दूसरा गद्यांश है यहां से है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम, और यह जो गद्यांश है यहां तक है अस्माकम संस्कृते संदेशा। तो इसका आपको संदर्भ में बताऊंगा और इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। तो संदर्भ लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि जिस किसी भी गद्यांश का हो या पद्यांश का हो जब भी आप संदर्भ लिखें उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखें। जैसे यहां पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं मैंने इस गद्यांश का जो है शुरुआत के शब्दों को लिख दिया है और इसके अंतिम के शब्द को भी लिख दिया है विश्वस्य सृष्टा, और इसके बाद डॉट डॉट करने के बाद यहां पर संदेशा जो कि अंतिम शब्द है इसी तरह से आपको भी लिखना है, और इसके बाद हेडिंग क्या डालना है संदर्भ। और संदर्भ आप हेडिंग जब डालेंगे तो ब्लैक पेन से डालेंगे यानी काले पेन से डालेंगे, आपको रेड पेन कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। और संदर्भ बिल्कुल आसान है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल आसान है संदर्भ, और संदर्भ लिखते समय आप ध्यान क्या देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिख देना है के संस्कृत खंड ने संकलित, और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो यहां पर किस पाठ से लिया गया है गद्यांश, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, और इसमें भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन है। यदि आप यह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसके बाद इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं पहले सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव अर्थात विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, विश्व का रचयिता ईश्वर अर्थात परमात्मा एक ही है। इति भारतीय संस्कृते मूलम, इति भारतीय संस्कृते मूलम अर्थात यह भारतीय संस्कृति का मूल है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है और यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः
विवधे नामाभि एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मताविलंबिनः विवधे नामाभि एकम एव ईश्वरं भजन्ते, अर्थात विभिन्न मतों के अनुयायी, विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से, अनेक विवधे नामाभि अनेक नामों से एकम एव ईश्वरं भजन्ते, एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। कहने का अर्थ है विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, खिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मानः सन्ति। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध और कौन, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, अर्थात ये सभी नाम एक ही ईश्वर के हैं। हम एव ईश्वरम जनः गुरुः इत्यपि मन्यते, अर्थात उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। उसी ईश्वर को लोग किस रूप में मानते हैं, गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है, स्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव इति भारतीय संस्कृते मूलम। इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक इव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामाभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि यह भारतीय संस्कृति का मूल है और विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। विभिन्न मतों के अनुयायी जो होते हैं वो सभी अनेक नामों से एक ही ईश्वर की वंदना करते हैं या एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर अग्नि है, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिन्नः, बुद्धः, खिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। एक ही किसके हैं, ईश्वर के हैं। ये जितने नाम हैं सभी एक ही ईश्वर के नाम हैं। और आगे लिखा हुआ है तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद कि उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। और उसी ईश्वर को लोग किस रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में भी मानते हैं। आगे लिखा हुआ है अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का जो दूसरा गद्यांश था इसका सरल हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी बता दिया है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी
जानकारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इस पाठ का अगला गद्यांश और इसका सरल हिंदी अनुवाद भी आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि यह जो चैप्टर है वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीणा और साथ ही साथ यह जो चैप्टर है भारतीय संस्कृति है, इससे 2023 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।